हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बुलेटिन। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स ने फिल्म को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को दिखाया है और फिल्म रिलीज करने की मंजूरी भी ले ली है, जिसके बाद आमिर ने कहा कि मैं SGPC के मेंबर्स का रिएक्शन देखकर काफ़ी खुश हूँ। मैं आभार जताता हूँ कि फिल्म ने उनके दिलों की गहराई को छुआ। अजय देवगन स्टारर सिंघम 3 की मेकिंग को लेकर खबर है कि फिल्म को अगले साल फ्लोर पर लाया जाएगा और दिसंबर में इसे थिएटर में रिलीज भी कर दिया जाएगा। वहीं फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिंघम 3 मलयालम फिल्म एक्शन हीरो बीजू का रीमेक होगी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने पुलिस में भर्ती होने का सपना पूरा करने के लिए टीचिंग की जॉब छोड़ दी थी। आलिया भट्ट की एक्टिंग से सजी मूवी डार्लिंग्स नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। ये फिल्म डोमेस्टिक वायलेंस पर बेस्ड है। फिल्म को दर्शकों का मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहा है। अक्षय कुमार एक बार फिर इस साल सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं, जिसके लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सम्मानित किया गया था। इस पर अब अक्षय कुमार का रिएक्शन सामने आया है। अक्षय ने कहा, जब आप कमाते हो और देश को वापस करते हो तो अच्छा लगता है। नागा चैतन्य जल्द ही आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आने वाले हैं। वहीं अब हाल ही में उन्हें संजय लीला भंसाली के घर के बाहर स्पॉट किया गया। तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी अगली फिल्म संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़, फिल्म रिव्यूज़ जानने के लिए सब्सक्राइब करें मैंकर न्यूज़ को।